आत्मविश्वास की कमी और आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम सब जानते हैं। पर आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो शायद आप अगर आत्मविश्वास से भरे हैं तो आपके आत्मविश्वास को डगमगा देगा, और अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो शायद आपको आत्मविश्वास आने लगे। देखिए, जब भी कोई आदमी, जब भी एक इंसान के रूप में हम किसी चीज़ को बड़ी जड़तापूर्वक मानते हैं तब भी दूसरे व्यक्ति को हम आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब ये है कि मैं जो समझ रहा हूँ ये सही है, या फिर जो सही है उसको मैं समझ गया हूँ। ये सारी धारणाएँ हैं, ये सारी मान्यताएँ हैं। तो एक इंसान कैसी मान्यताएँ रखता है उस मान्यताओं से उसका एक कैरेक्टर क्रिएट होता है, व्यक्तित्व तैयार होता है, और हम उस व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। पर क्या हो कि पता चल जाए कि आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी जीवन पर जड़ता के साथ जिया है, आत्मविश्वास से नहीं। तो आज जिस समय में हम जी रहे हैं, जहां सेल्फ हेल्प बुक्स मिलती हैं, जहां कई सारे सेमिनार्स होते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं, बुद्धि के स्तर से हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, और इस समय अगर हमें पता चले कि हमारे आत्मविश्वास की व्याख्या में कोई गलती है तो कैसा होगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास की जब बात आती है तो वो आत्म के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास की बात है, और खुद के ऊपर विश्वास तब आता है जब खुद के बारे में कुछ पता हो। कुछ ख़ास तरीक़ों से अगर मुझे कुछ ख़ास लोगों से बात करना आ जाए, कोई ख़ास स्किल मैं डेवलप कर लूँ, तो उस स्किल से जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस स्किल से जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो आत्मविश्वास नहीं है। वो मुझे सिक्योर तो करेगा, वो मुझे डर से बचा ज़रूर लेगा, पर कुछ चीज़ें सीख लेने से, किसी स्किल में बेहतर हो जाने से, जीवन में सफल हो जाने से, ज़्यादा पैसा कमा लेने से, ऐसी कोई बातों से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। क्योंकि आत्मविश्वास एकदम अलग चीज़ है, आत्मविश्वास खुद के विश्वास की बात है। इसलिए कई बार सफल लोग, जिन्हें हम सफल मानते हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई सारे ऐसे लोग जो सुपरस्टार्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। कई बार ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं जिनको अगर हम देखें तो हमें लगता है कि इनके जीवन में सब कुछ था, फिर भी इन्होंने क्यों आत्महत्या कर ली। बस एक कारण था उसके पीछे, एक ही कारण होता है, और वो कारण ये है कि उन्हें जो आत्मविश्वास होने की मान्यता थी उनकी, वो आत्मविश्वास नहीं निकला। कोई चीज़ें मजबूती के साथ, जड़ता के साथ मान लेने से आपको अच्छी तो ज़रूर लगती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आत्मविश्वास है। आपने शब्द सुने होंगे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें सेल्फ से आती है, और जिन्हें सेल्फ के बारे में पता ही नहीं है उनके पास ये नहीं होती, पर इनका एक भ्रम ज़रूर होता है। तुमने मुझसे ऐसा कुछ कहा कि मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो गई। सेल्फ़ रिस्पेक्ट कभी हर्ट नहीं हो सकती। सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसे हर्ट हो सकती है? ऐसी चीज़ जो मेरे अकाउंट में है वो मेरी मर्ज़ी के बिना कहाँ जा सकती है? सेल्फ़ रिस्पेक्ट कभी भी हर्ट नहीं होती, हर्ट सिर्फ ईगो होता है। डिसिप्लिन की बात होती है, सेल्फ के बिना आप डिसिप्लिन को कितना भी कोशिश करिए, आप किसी की भी ज़िंदगी से, किसी की भी ज़िंदगी से आप डिसिप्लिन उठा लीजिए, 5 बजे उठना चाहिए और फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए और जिम करना चाहिए और वेगन डाइट फॉलो करना चाहिए और पता नहीं क्या क्या, हम क्या क्या उठा लेते सबकी ज़िंदगी से, उस ज़िंदगी से, किसी और की ज़िंदगी से उठाकर हमारी ज़िंदगी में प्रेशर से उसे डालने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे। ऐसे डिसिप्लिन से बिना डिसिप्लिन के रहना ही अच्छा है, क्योंकि डिसिप्लिन कोई चॉकलेट नहीं है जिसको खा के मज़ा आएगा। डिसिप्लिन आपको प्रॉब्लम देता है, डिसिप्लिन आपको तकलीफ़ देता है, आपसे नहीं हो रहा है फिर भी करना है, तो ये रास्ता आपको कहीं नहीं पहुंचाता। पर इस विषय पर कोई बात नहीं कर रहा। जब आपको सेल्फ के बारे में सही बातें पता चल जाएगी, अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और आप जैसे है वैसे ही जीना शुरू करेंगे। अगर आपके अंदर पेंटर छुपा है और आप पेंटर बन के जीना शुरू करेंगे, तो जब दूसरे पेंटर्स आपको देखेंगे तो उनको आप डिसिप्लिन दिखेंगे कि आदमी 18-18 घंटे तक पेंटिंग करता है, पर आप कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। आप बस पेंटर बनो, पेंटर का डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। तो आप जीवन में जब जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद
ये बड़ा आसान हो जाएगा। डिसिप्लिन आपको रखना नहीं पड़ेगा, डिसिप्लिन आपसे निकलेगा और आप ही के क्षेत्र के जो बाकी लोग होंगे और जो आपको देखेंगे वो ये कहेंगे कि आदमी कितना डिसिप्लिन है। तो ये सेल्फ़ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी बातें सब लोग बोलते थकते नहीं हैं, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हमें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, जो बातें होती है, ये सेल्फ़ की है। और हम ऐसे लोग हैं जिनको सेल्फ़ के बारे में कुछ नहीं पता, हमें तो किसी और के बारे में पता होता है और उसी की जैसे बनने की कोशिश करते रहते हैं और उसी से सीखते रहते हैं, और फिर भी हम सोचते हैं कि हम में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो, तो ये बिना सेल्फ़ के नहीं हो सकता। तो मैं कौन हूँ ये जानना बड़ा आसान है, ये बड़ा मुश्किल नहीं है, इसके लिए सालों तक साधना करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुरंत ही तो जाना जा सकता है। अगर आप इसी विषय में कुछ आगे बात करना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स में आइए, हमारे कुछ श्रृंखलाएँ चलती है, जैसे उपनिषद की श्रृंखला जहाँ पर हम उपनिषद की बात करते हैं, पुनर्विन्यास की हम बात करते हैं, हम अनुवेद की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे स्ट्रीम हैं जहाँ पर हम लोग बात करते हैं खुद की खोज के बारे में। तो मेरा निवेदन है, अगर आप भी अपनी खुद की खोज की तलाश में हैं या जीवन के सत्य की खोज में हैं तो ज़रूर हमारे प्रोग्राम को अटेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।